सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अभी हम हैं लेह में। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अभी हम हैं लेह में। हमने 9 बजे लैंड कर दिया था, उसके बाद से अभी 2 घंटे हमें यहाँ हो गए हैं, लेकिन हम बाहर नहीं निकल पाए थे क्योंकि एंटीजन मैंडेटरी था आरटीपीसीआर होने के बावजूद भी, तो वो हमारा हो गया है। तो हम सब लोग फ्री हैं, हम जा सकते हैं, और मैं अकेला नहीं, उसके मेरे साथ फैज़ान, समीर, फरहा, निदा, तस्मिया, शयान, फैज़ान, और सबके नाम ले दिया मेरा ख्याल अतीब। तो हम 9 लोग हैं और हम बहुत चिल करने वाले हैं। तो मौसम बहुत उम्दा है, 15 डिग्री सेल्सियस था, मौसम इज ऑसम। अभी हम निकलते हैं, मेरे ख्याल से निकलना चाहिए, बाकी आगे वीडियो में बने रहिएगा। ओके, थैंक यू। सो अभी हम जा रहे हैं अपने लिसार मॉडल के पास, जोड़ते गेस्ट हाउस, और हमने यहाँ 3 ओमनी कार किए हैं क्योंकि यहाँ पर 3 ज़्यादा अलाउ नहीं है बैठा, तो हम 9 लोग हैं, तो हमने 3 कार 550 जो है वो चार्ज है एक गाड़ी का। सो अभी हम पहुँच रहे हैं, हार्डली 10 से 15 मिनट में हम अपने गेस्ट हाउस पहुँच जाएंगे, और मौसम बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा सा रास्ते का एंजॉय करते हैं लेह के रोड्स को। अभी हम हैं लेह की सड़कों पर, काफ़ी वीरान है, काफ़ी सुनसान है क्योंकि लॉकडाउन, आपको पता ही है, कल मंडे से मार्केट खुल रहा है, आज संडे है, तो आज की प्रॉब्लम हो रही है। अभी हम लंच का इंतज़ाम करके निकल रहे हैं, वेज मोमोज, वेज फ्राइड राइस और वेज चाउमीन लिए है काफ़ी सारे, तो अभी लंच कर लें क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा यार, एक बात बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी यहाँ मत कीजिएगा, कभी भी आओ, हमारे साथ काफ़ी खुल रही है होटल में। अभी अगर आप चढ़ो उस रूम फ्लोर दो, सेकेंड फ्लोर पर हो, तो फिर एक टाइम में एक ही बैग लेके चलो, हल्के हल्के चलो, हल्के हल्के उतरो, बहुत साफ खुल रही है, तो ये प्रॉब्लम तो यहाँ रहेगी आपको, बॉडी को एक्मेटाइज करने में टाइम लगेगा, तो आने के साथ ही फ़ौरन फिजिकल एक्टिविटी शुरू मत कर दीजिएगा, ठीक है। अभी खाना खा लें। अच्छा, हमने होटल ले लिया है, होटल नाम भूल गया, मैं वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको। 1000 रुपीज़ जो है पर रूम का चार्ज है, 3 रूम लिए हमने, 3 बेड हैं उसमें, तो वी विल हैव टू पे 3000 पर डे फॉर 3 रूम्स, और काफ़ी अच्छे रूम्स हैं, तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ रूम का। अभी फिलहाल ये लंच कर लें। सो ये है हमारा गोंगमा गेस्ट हाउस, आप देख सकते हैं 3 रूम हमने लिए हैं, एक रूम में 3 लोग हैं, एक यहाँ नीचे और 2 यहाँ ऊपर। ये टीवी का रिचार्ज नहीं, इसलिए कुछ अनिवार्य एडवर्टीजमेंट के, ये 360
हमारे रूम का सामने बाथरूम, और ये बाहर का जो व्यू है वो ऐसा है कुछ। आप यहाँ जाओगे तो ये आ गया बाहर का व्यू, ये हमारा एंट्री, ये और ये सामने बाहुबली माउंटेंस। ओ चलिए आपको बाहर से दिखाते हैं। अभी हम चल रहे हैं बाहर। सो आप रेडी हो के आओगे? ये हम निकले बाहर, गैलरी, ये गैलरी सेकेंड रूम हमारा यह है जहाँ पर ऑलरेडी दो लोग अभी आराम कर रहे हैं, और एक कमरा हमारा ऊपर है दर्जे का। पहले मैं आपको नीचे से दिखा दूँ होटल। ये हम जा रहे हैं नीचे की तरफ जहाँ से हमारा मेन एंट्री है। यह है रिसेप्शन, ये डाइनिंग एरिया, और ये आ गया हमारा सामने मेन रोड। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ऊपर डाइनिंग एरिया है, बहुत ही शानदार है, एकदम ओपन। हमने सुबह आफ्टरनून लंच भी वहीं किया था। और चलते हैं यार, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे साथ के दो लोग थोड़े से इस टाइम पे सिकनेस है, उनको फिजिकल वीकनेस होने की वजह से थोड़ी सिकनेस हो गई है। आज संडे, मार्केट सारा बंद है तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे, कल मंडे जाएंगे। और ये आ गए हम ऊपर। ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है, बाकी लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये समीर, फैजान, निदा, शयान एंड नतीब। क्या हाल है भाई सबको? हेलो, मज़ा आ रहा है? हेलो। और ये हमारा यहाँ से व्यू, ब्यूटी ऑन इट्स पीक। जो फीलिंग यहाँ के आती है ना यार, इतने हिल स्टेशन आप जाओ, नैनीताल, रानी खेत, शिमला, मनाली, लेकिन फीलिंग ये लेह की है, वो ये अलग ही फीलिंग है यार। तो चलिए अभी थोड़ा सा और काम फिनिश कर लें जो रह गया है, फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। हाँ, बर्फ़ के पहाड़ हैं भाई सामने, अभी वो दूर से दिख रहा है, और उसके बाद बहुत जल्द दिखेगा जब हम नुब्रा और पैंगोंग के रोड ट्रिप पर निकलेंगे। सो बने रहिए वीडियो में। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और आपको भी बहुत मज़ा आएगा जब आप ये ब्लॉग देखेंगे।